एक सैम्पल कोड के द्वारा हम आपको स्कोप ऑफ द वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया है, एक ग्लोबल वेरिएबल इंट आई डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है 0। पहला है मेन फंक्शन, उसके बाद है फंक्शन जीबीएल यानी ग्लोबल, और लास्ट फंक्शन है टेस्ट। तो हम सबसे शुरू करेंगे, मेन से स्टार्ट करेंगे और इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। हमने ए इंटीजर वेरिएबल आई इज असाइन द वैल्यू 10 डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि हमने इसे मेन में ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो इसे हम इसे कहेंगे कहाँ है, किस फंक्शन में, मेन में है आई। इसका एड्रेस और इसका वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हमने मेन में आई डिक्लेयर कर दिया, इसका इनिशियल वैल्यू है 10, एड्रेस हम सोच लेंगे 1000th लोकेशन पे है। जब हम मेन में आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट होगा 10, ठीक है, 10 प्रिंट होगा जैसे यहाँ प्रिंट हो रहा है। अभी हमने क्या कर दिया, एक मेन के अंदर ही एक ब्लॉक बना दिया, और ब्लॉक बना के हमने और एक वेरिएबल इंट आई डिक्लेयर कर दिया। अभी ये जो आई है ये मेन के लिए बिलोंग हो रहा है, लेकिन मेन से पहले इस ब्लॉक के अंदर उसका स्कोप होगा, तब मैं इसको क्या कहूँगा, इसको ब्लॉक आई कह दूंगा। इसका एड्रेस हो सकता है समझ लीजिए 2000, इसका इनिशियल वैल्यू है -2। इस आई का वैल्यू केवल इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर ही लाइफ यानी स्कोप होगा, इससे बाहर एग्जिस्ट नहीं होगा, इससे पहले भी ये आई एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अभी मैंने जब ब्लॉक में आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, -2 आपको प्रिंट हो जाएगा जैसा यहां हो रहा है। और अब मैं ब्लॉक के बाहर आ गया, ब्लॉक के बाहर आके क्या कर रहा हूं, मैं टेस्ट और आई पास कर रहा हूं। जब मैं आई पास कर रहा हूं, ये जो वैल्यू 10 है यहां पे कॉपी हो रहा है, और 10 इस आई में यहां कॉपी हो रहा है। ये जो आई है, इस आई और इस आई से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं इसे कहूंगा टेस्ट आई। टेस्ट आई का एड्रेस हो सकता है 3000। जब मैं टेस्ट में आके आई का वैल्यू प्रिंट करूंगा, तभी भी वापस 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ का वैल्यू यहाँ पास कर दिया था और ये यहाँ कॉपी होके प्रिंट हो गया। तो पहला एक मेन आई था, ब्लॉक आई था, अभी टेस्ट आई था। लास्ट को हमने जीबीएल कॉल कर दिया, जिसमें हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया है। जब हम जीबीएल कॉल कर रहे हैं, जब हम प्रिंट कर रहे हैं इन जीबीएल परसेंटेज डी आई, तब अगर आप देख रहे हैं हम यहां से तो कुछ पास नहीं किया, इसके पास तो कुछ आई नहीं है, तब ये ग्लोबल वेरिएबल आई को रेफर करेगा और आउटपुट प्रिंट होगा 0। तो ये प्रोग्राम से आपको स्कोप ऑफ द वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आई का जो स्कोप है यहां से यहां है, ये जो इन टाइम मेन का है यहां से यहां है, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर क्योंकि हमने और एक वेरिएबल उसी नाम से दिया है, ए आई का वैल्यू इस ब्लॉक में इससे पहले प्रिंट होगा। अगर हमने ए आई डिक्लेयर नहीं किया होता, ठीक है, अगर हमने ए आई डिक्लेयर नहीं किया होता और अगर हम प्रिंट किए करते आई का वैल्यू, तभी भी अगला वैल्यू भी प्रिंट होता +10। तो ये था एग्जाम्पल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल और ब्लॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आप कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं।